कृष्णा ने बनाई है मम्मा के लिए ग्रीन टी। ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उष्णा अक्सर जो है ना मुझे ग्रीन टी बना के दे देती है। वो घर में डिश में लाना था ना मेरा बेटा, अभी आप सीख रही हैं, खुद भी नहीं लेके आया करो। कितनी बार आपको समझाया है कि डिश मिलाते हैं इस तरीके से, हाथ से निकल सकता है ना मेरा बेटा। अभी देखो मेरे हाथ से गिर सकता था। चलो अच्छा रख दो टेबल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस इस वक्त जो है ना मेरे हाथ में जो बुक है इसको देख के कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बच्चों की स्कूल की पिक्चर्स देख के। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है उनकी पुरानी वाली पिक्चर्स, और फिर बच्चे ख़ुद भी अच्छा फील करते हैं। तो यहाँ पे उष्णा और मैं बैठ के उसकी ये ईयर बुक देख रहे थे, और आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे यम्बो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते रहे, बहुत अच्छा अमेरिकन स्कूल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्लोज़ हो गया। तो फिर हमें अपने बच्चों को ब्रिटिश में मूव करना पड़ा। तो मेरे बच्चों की जो भी बेस है वो इसी स्कूल में बनी, और मेरे बच्चों का जो एक्सेंट है वो इसी स्कूल से ही अच्छा बना। So at the end of the year, the teachers would sign our own yearbook. So I had my teachers sign my own yearbook. Cute student Oshna, I love you and you were the most wonderful girl I ever had. I will miss you. Good luck for your future. With love, Miss Mankar. बहुत अच्छा स्कूल था, बच्चों की मेमोरीज होती हैं, बच्चों को फिर ये अपना ये सब कुछ देख के अच्छा लगता है। तो ये सारा रिकॉर्ड है बच्चों का इसमें, जो भी इनकी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती रही हैं वो सब कुछ, और इनकी पिक्चर्स। तो ये बुक मैंने भी संभाल के रखी हुई है, और उष्णा भी जो है ना इसको अक्सर जो है यहाँ पे मैंने अपने कुछ बैग्स निकाले हुए हैं कबर्ड से। असल में मुझे जो है ना बहुत बड़ा कीड़ा है कुछ डीप क्लीनिंग का, तो यहाँ से मैंने पता नहीं कुछ उठाना था, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं सोच रही थी कि दोबारा से इनको ठीक कर देती हूँ। तो मेरे जहन में आ रहा था कि एक बैग कलेक्शन के ऊपर वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप जो है ना अपने बैग कलेक्शन के ऊपर वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बनाऊंगी, और स्किन केयर का भी सोच रही हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं बैग कलेक्शन पे, स्किन केयर पे, डू कमेंट। फिर मैं देखूंगी कि कितने कमेंट आते हैं जिस चीज़ के ऊपर, फिर उसी चीज़ में जो है ना मैं फिर वीडियो बनाऊंगी। तो चले अभी तो सिर्फ ज़रा डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि किसके ऊपर वीडियो बनानी है। आपके कॉमेंट्स और आपके इंटरेस्ट के बाद ही मैं फिर इनके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पे लगा हुआ है कपड़ों का अंबार। ये जो मेरा हेल्पर आता है ना, तो उसकी पता नहीं एक अजीब सी आदत है कि वो कुर्ता अलग आयरन करके हैंग करता है और शलवार अलग। तो वो फिर मुझे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कबर्ड में इतनी जगह तो नहीं होती कि मैं अलग अलग दोनों चीज़ों को हैंग कर सकूं। लेकिन मुझे दोबारा से इनको एक ही हैंगर में जो है ना शिफ्ट करना पड़ता है, तो ये काम जो है ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। सोच रही थी कि उसको थोड़ा सा कहूँगी कि भाई इसी तरीके से मत किया करो। कभी तो कर देता है, लेकिन कभी कभार जो है ना वो इसी तरीके से ही करता है, शलवार अलग कर देता है। और ये देखें सब की जो है ना वो, ये इरफान के जो भी कुर्ते हैं वो अलग हैं और शलवारें अलग हैं। ये उसकी पुरानी आदत है, कभी कहूँ तो फिर कर देता है, नहीं तो बस वो ऐसे ही कहते। मुझे पता नहीं चलता कि एक कुर्ते की शलवार कौन सी है। देखें भला अब इसमें ना पता चलने वाली कौन सी बात है। तो ये जो है ना अभी बस इनको मैं एक ही हैंगर में शिफ्ट करके और उसके बाद कबर्ड में लगा दूँगी। और आज आप लोगों के साथ एक क्विक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ब्लैक पेपर चिकन। जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि आज क्या पकाना है, तो फटाफट से आप ये चिकन बना लें, बहुत मज़े का बनता है, बच्चों का भी फेवरेट है। और वैसे भी जो है ना अगर आपके गेस्ट आने वाले हों शॉर्ट नोटिस पे, तो आप ये भी फटाफट से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप योगर्ट लिया है, उसमें मैंने ऐड किया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है मैंने, और 1 टीस्पून चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर। इतने से मसाले हैं, बस इसको योगर्ट में मिक्स कर लें और चिकन के साथ इसको मैरिनेट कर लें। 30 मिनट्स के लिए आपने मैरिनेट करना है, चाहे तो आप इसको राइट अवे भी बना लें, सेम टेस्ट आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ौरन भी आप लोग बना सकते हैं इसको।
तो बस मैंने इसको मिक्स कर लिया है, तो अभी इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। और मैंने तो फ़ौरन ही बना लिया था, कभी कभार मैं मैरिनेट करने के लिए रख भी देती हूँ, लेकिन कभी ये होता है कि फ़ौरन से भी मैं इसको बना लेती हूँ। और मेरी अम्मी की तरफ ये देसी घी में बनता था, तो उसका तो टेस्ट ही अलग आता था। तो अभी यहाँ पैन में मैंने ऑयल लिया है, तो इसमें मैं वो चिकन ऐड कर दूंगी। और 15 से 20 मिनट में इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है, ढक्कन लगा दें, खुद ही पकता रहेगा। ना आपने ज़्यादा उसको उसकी भुनाई करनी है, ना आपने इसमें बार बार चम्मच हिलाने। तो बस आपने बीच में आप इसको चेक कर सकते हैं कि चिकन आपके नीचे लग तो नहीं रही है। तो बस जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा और आपका जो ये चिकन भी तब तक गल जाएगी, तो बस आपका जो है ये मज़ेदार सा ब्लैक पेपर चिकन तैयार हो जाएगा। देखिए झटपट से चिकन जो है वो तैयार है, और जब इस तरीके से ऑयल ऊपर आने लगे तो समझे कि आपका खाना तैयार हो चुका है। तो इसमें आप फिर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर सकते हैं, और चाहे इसको आप लेमन के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना मैम फीडबैक आज भी बच्चों का दीजिएगा कुछ मुझे। मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो उनके लिए मंगाई है बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम, और ये है कोई कैरेमल शेक, और यहाँ पे है जी उमे अली, जो कि अरेबिक फेमस डिज़र्ट है, और ये फ़ौंदान का जो है वो उमे अली बहुत यहाँ पे मज़े का होता है। तो मैंने किसी और का ट्राई नहीं किया, फ़ौंदान का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे बहुत सारे लोगों को इसकी रेसिपी भी पता होगी, तो मे बी किसी अपनी वीडियो में आपको इसकी रेसिपी भी मैं बताऊं। मैंने एक मरतबा वैसे ट्राई किया था घर में, मेरे बच्चे ज़्यादा शौक से ये वाले डिज़र्ट खाते नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जो है ना वो ट्राई करती, बस कभी कभी जैसे होता है गेस्ट वगैरह के लिए बनानी हो तो फिर बना लेती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप डाइट शुरू करते हैं तो हस्बैंड ऐसी चीज़ें घर में ज़रूर लेके आते हैं। तो खैर ये मैंने और हस्बैंड ने जो है वो शेयर करके खाई थी, और बाकी आइसक्रीम तो बच्चों के लिए ही थी। और मीरप डालेंगी सबके लिए, ठीक है? आपने डालना है? हाँ तो चलो ठीक है। यहाँ पे नहीं कॉपी करती, मेरा बच्चा नहीं कॉपी करती, तो सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लगता फील ही कर लिया है और अपने। अच्छा चलो ठहरो, मैं आपको बाउल देती हूँ, उसमें आइसक्रीम। नहीं आपका पिंक नहीं होता हुरब, आपका व्हाइट वाला होता है। नहीं ये इसका हुरब आपका व्हाइट वाला है और मीरब का पिंक वाला है। ये चलो मुझे दिखा, मैं डाल के देती हूँ। चलो गिव मी, गिव मी। और यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क चल रहा है, और उष्णा ने बनाई है यहाँ पे कुछ क्ले रिंग्स। उष्णा कुछ ना कुछ बनाती रहती है, उष्णा जो है ना स्केचेस भी बनाती है, मैं किसी वक्त आपको वो भी दिखाऊंगी। दिखाओ उष्णा ये वाली, बहुत प्यारी लग रही है, ये बहुत क्यूट है ना, ये क्यूट है। और भी तो है वो वाली, Those are not ready yet. They're not dry. शो मी। अच्छा ये किसी वक्त उष्णा आपको इसका ट्यूटोरियल भी देगी कि ये किस तरीके से क्ले के साथ ये ज्वेलरी बना सकते हैं आप। तो इसने तो सिर्फ रिंग्स ही बनाई, ये भी रिंग है, ही भी रिंग है। वाओ इट्स अमेजिंग। अच्छा ये अभी ड्राई नहीं हुई, फिर इसके ऊपर पेंट करेंगी, और ये सारी, अच्छा अभी ये पेंट होने वाली है। दैट्स अमेजिंग, गुड जॉब मेरा बेटा। बच्चों को किसी ना किसी तरीके से एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें, ये घरों में हैं तो उनको बिज़ी रखना चाहिए, कि मुझे अच्छा लगता है। कीप इट अप मेरा बेटा। और गाइस इस वक्त मैं आपको एक शॉर्ट सा विज़िट करा रही हूँ यम्बो हिस्टोरिकल एरिया का। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये, यहाँ पे इनका एक ओल्ड सूक है, उसका विज़िट कराती हूँ। और यहाँ पे जो है दो तीन गाड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी पुराने मॉडल की थी, बच्चे इनको बड़े शौक से देख रहे थे कि किस तरह की गाड़ियाँ हैं, और कुछ लोग जो है ना इसकी पिक्चर्स भी ले रहे थे। और आगे की तरफ जाएँ तो एक काफ़ी बड़ा सारा सोफ़ा रखा हुआ था, सोफ़ा कहें बेंच कहें, ये इस तरह की जो है ना वो नज़र आ रही थी कुछ सीट्स। और आसपास जो है वो पुरानी इनकी बिल्डिंग्स थी,
और अंदर की तरफ आएं तो ये इनका जो है वो सूख शुरू हो चुका है, और यहाँ पे इनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस की शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट्स की, और इसके अलावा इनके जो स्पाइसेस और हर्ब्स की वो भी शॉप्स थी। और बस छोटा सा क्लिप बनाया आप लोगों के लिए, और ये इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी की शॉप है, बड़ी प्यारी लग रही थी, दिल चाह रहा था कि ले लूं, लेकिन बस सिर्फ मैंने देखा ही है, और ये आपने अक्सर अरेबिक लेडीज़ को पहने हुए देखा होगा। और ये है जी इनके कॉस्मेटिक्स शॉप, और बस जब तक आप देख ना लें मेकअप की चीज़, ये तो हो ही नहीं सकता अच्छे से जब तक आप एक्सप्लोर ना करें। और यहाँ पे देखें इनके पुराने ये रेडियो रखे हुए, मुझे अपने अब्बू याद आ गए, उनके पास होते थे वो, हर तरह के मॉडल रखते थे अपने पास ये रेडियो के, उनको बहुत अच्छा लगता था रेडियो सुनना। अगर मेरे अब्बू होते जिंदा तो मैं उनके लिए ले लेती आज, काश। ओके चलो भाई, ये बिल्लियों की दीवानियाँ, पता नहीं कहाँ से बिल्ली पकड़ लाए हैं ये नहीं खुद ही आई है, हाँ देखो आपसे मिलने खुद ही आ गई, पहले आप वो दूर से पकड़ रही थी बिल्लियाँ, अब वो खुद ही आ गई। लेकिन बेटे ये पेट नहीं है, ये ना हो के अटैक कर दे, इसलिए पीछे रहो आप। अच्छा हाँ, लेकिन बेटे दूर से, दूर से। ओके गाइज, ये था आज का व्लॉग, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।